पांडवों को मारने के अनेक प्रयत्न उनसे किया गया द्यूत में छल और अन्य सभी अपराध कदाचित छोटे थे और उन्हें माफ भी किया जा सकता था किंतु द्रौपदी का सभा में हुआ घोर अपमान वह कदाचित माफ करने योग्य नहीं था जानते हैं आगे क्या हुआ संपूर्ण महाभारत कथा के अंतर्गत उद्योग पर्व और उसमें भगवत यान पर्व नमस्कार मैं आभा शर्मा जावास इन ऑडियो बुक्स को बनाने में अगर आप अपना योगदान देना चाहते हैं तो मेंबरशिप लेके या दिए गए क्यूआर कोड का प्रयोग करके आप ऐसा कर सकते हैं आपका छोटे से छोटा योगदान भी हमें प्रोत्साहित करता है अन्यथा शेयर लाइक या सब्सक्राइब करके तो आप ऐसा कर ही सकते हैं दशम पायन जी कहते हैं जन्मेज शत्रुओं का दमन करने वाले शूरनंदन श्री कृष्ण कुंती की परिक्रमा करके एवं उनकी आज्ञा ले दुर्योधन के घर गए वह घर इंद्रभवन के समान उत्तम शोभा से संपन्न था उसमें यथास्थान विचित्र आसन सजाकर रखे गए थे श्रीकृष्ण ने उस गृह में प्रवेश किया द्वारपालों ने रोक-टोक नहीं की उस राजभवन की तीन ड्यूढ़ियां पार करके महायशस्वी श्री कृष्ण एक ऐसे प्रसाद पर आरूढ़ हुए जो आकाश में छाए हुए शरद ऋतु के बादलों के समान श्वेत पर्वत शिखर के समान ऊंचा तथा अपनी अद्भुत प्रभा से प्रकाशमान था वहां उन्होंने सिंहासन पर बैठे हुए धृतराष्ट्रपुत्र महाबाहु दुर्योधन को देखा जो सहस्त्रों राजाओं और कौरवों से घिरा हुआ था दुर्योधन के पास ही दुशासन कर्ण तथा सुबलपुत्र पुत्र शकुनी ये भी आसनों पर बैठे थे श्रीकृष्ण ने उनको भी देखा दशानंदन श्रीकृष्ण के आते ही महायशस्वी दुर्योधन मधुसूदन का सम्मान करते हुए मंत्रियों सहित उठकर खड़ा हो गया मंत्रियों सहित दुर्योधन से मिलकर भूषण केशव अवस्था के अनुसार वहां सभी राजाओं से यथा योग्य मिले उस राजसभा में सुंदर रत्नों से विभूषित एक सुवर्णमय पर्यंक रखा हुआ था जिस पर भांति भांति की बिछौने बिछे हुए थे भगवान श्री कृष्ण उसी पर विराजमान हुए उस समय गुरुराज ने जनार्दन की सेवा में गौ मधुपर्क जल गृह तथा राज्य सब कुछ निवेदन कर दिया उस पर्यंक पर बैठे हुए भगवान गोविंद निर्मल सूर्य के समान तेजस्वी प्रतीत हो रहे थे उस समय राजाओं सहित समस्त कौरव उनके पास आकर बैठ गए तदनंतर राजा दुर्योधन ने विजय वीरों में श्रेष्ठ श्री कृष्ण को भोजन के लिए निमंत्रण किया परंतु केशव ने उस निमंत्रण को स्वीकार नहीं किया तब गुरुराज दुर्योधन ने कर्ण से सलाह लेकर कौरव सभा में श्री कृष्ण से पूछा पूछते समय उसकी वाणी में पहले तो मृदुता थी परंतु अंत में शर्ता प्रकट होने लगी थी दुर्योधन बोला जनार्दन आपके लिए अन्न जल वस्त्र और शैय आदि जो वस्तुएं प्रस्तुत की गई उन्हें आपने ग्रहण क्यों नहीं किया आपने तो दोनों पक्षों को ही सहायता दी है आप उभय पक्ष के हित साधन में तत्पर हैं माधव महाराज धतराष्ट्र के आप प्रिय संबंधी भी हैं चक्र और गदा धारण करने वाले गोविंद आपको धर्म और अर्थ का संपूर्ण रूप से यथार्थ ज्ञान भी है फिर मेरा आतिथ्य ग्रहण न करने का क्या कारण है यह मैं सुनना चाहता हूं वैशम जी कहते हैं राजन इस प्रकार पूछे जाने पर उस समय महामनस्वी कमल नयन श्री कृष्ण ने अपनी विशाल भुजा ऊपर उठाकर राजा दुर्योधन को सजल जलधर के समान गंभीर वाणी में उत्तर देना आरंभ किया उनका वचन परम उत्तर युक्ति संगत दैन्य रहित प्रत्येक अक्षर की स्पष्टता से सुशोभित तथा स्थान भ्रष्टता एवं संकीर्णता आदि दोषों से रहित था भारत ऐसा नियम है कि दूत अपना प्रयोजन सिद्ध होने पर ही भोजन और सम्मान स्वीकार करते हैं तुम भी मेरा उद्देश्य सिद्ध हो जाने पर ही मेरा और मेरे मंत्रियों का सत्कार करना यह सुनकर दुर्योधन ने जनार्दन से कहा आपको हम लोगों के साथ ऐसा अनुचित प्रताव नहीं करना चाहिए दशानंदन मधुसूदन आपका उद्देश्य सफल हो या ना हो हम लोग तो आपके सम्मान का प्रयत्न करते ही हैं किंतु हमें सफलता नहीं मिल रही मधुदत्य का विनाश करने वाले पुरुषोत्तम हमें ऐसा कोई कारण नहीं जान पड़ता जिसके होने से आप हमारी प्रेम पूर्वक अर्पित की हुई पूजा ग्रहण कर सके गोविंद, आपके साथ हम लोगों का ना तो कोई बैर है और ना झगड़ा ही है इन सब बातों का विचार करके आपको ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए वैश्वपायन जी कहते हैं राजन यह सुनकर दशाकुदूषण जनार्दन ने मंत्र सहित दुर्योधन की ओर देखकर हंसते हुए उत्तर दिया राजन, मैं काम से क्रोध से द्वेष से स्वार्थवश बहानेबाजी अथवा लोभ से भी किसी प्रकार धर्म का त्याग नहीं कर सकता किसी के घर का अन्न या तो प्रेम के कारण भोजन किया जाता है या आपत्ति में पड़ने पर नरेश्वर प्रेम तो तुम नहीं रखते और किसी आपत्ति में हम नहीं पड़े हैं राजन पांडव तुम्हारे भाई ही हैं वे अपने प्रेमियों का साथ देने वाले और समस्त सदगुणों से संपन्न हैं तथापि तुम जन्म से ही उनके साथ अकारण ही द्वेष करते हो बिना कारण ही कुंती पुत्रों के साथ द्वेष रखना तुम्हारे लिए कदापि उचित नहीं है पांडव सदा अपने धर्म में स्थित रहते हैं अतः उनके विरुद्ध कौन क्या कह सकता है जो पांडवों से द्वेष करता है वह मुझसे भी है, है, है। और जो उनके अनुकूल अनुकूल वह मेरे भी अनुकूल है. तुम मुझे धर्मात्मा पांडवों के साथ एक रूप हुआ ही समझो जो काम और क्रोध के वशीभूत होकर मोहवश किसी गुणवान पुरुष के साथ विरोध करना चाहता है उससे पुरुषों में अधम कहा गया है जो कल्याणमय गुणों से युक्त अपने कुटुंबीजनों को मोह और लोभ की दृष्टि से देखना चाहता है वह अपने मन और क्रोध को न जीतने वाला पुरुष दीर्घकाल तक राजलक्ष्मी का उपभोग नहीं कर सकता जो अपने मन को प्रिय न लगने वाले गुणवान व्यक्तियों को भी अपने प्रिय व्यवहार द्वारा वश में कर लेता है वह दीर्घकाल तक यशस्वी बना रहता है जो द्वेष रखता है उसका अन्न नहीं खाना चाहिए द्वेष रखने वाले को खिलाना भी नहीं चाहिए राजन तुम पांडवों से द्वेष रखते हो और पांडव मेरे प्राण हैं। तुम्हारा यह सारा अन्न दुर्भावना से दूषित है अतः मेरे भोजन करने योग्य नहीं है मेरे लिए तो यहां केवल विदुर का ही अन्न खाने योग्य है यह मेरी निश्चित धारणा है अमर शीर दुर्योधन से ऐसा कहकर महाबाहु श्री कृष्ण उसके भव्य भवन से बाहर निकले वहां से निकलकर महामना महाबाहु भगवान वासुदेव ठहरने के लिए महात्मा विदुर के भवन में गए उस समय द्रोणाचार्य कृपाचार्य भीष्म बालिक तथा अन्य गौरवों ने भी महाबाहू श्री कृष्ण का अनुसरण किया विदुर के घर में ठहरे हुए यदुवंशी वीर मधुसूदन से वे सब गौरव बोले वृष्ण हम लोग रत्न धन से संपन्न अपने घरों को आपकी सेवा में समर्पित करते हैं तब महातेजस्वी मधुसूदन ने कौरवों से कहा आप सब लोग अपने घर को जाएं। आपके द्वारा मेरा सारा सम्मान संपन्न हो गया कौरवों के चले जाने पर विदुर जी ने कभी पराजित न होने वाले दशानंदन श्री कृष्ण को समस्त मनोवांचित वस्तुएं समर्पित करके प्रयत्न पूर्वक उनका पूजन किया तदनंतर उन्होंने अनेक प्रकार के पवित्र एवं गुणकारक अन्नपान महात्मा केशव को अर्पित किए मधुसूदन उस अन्नपान से पहले ब्राह्मणों को तृप्त करते थे फिर उन्होंने उन वेद को श्रेष्ठ धन भी दिया तदनंतर देवताओं सहित इंद्र की भांति अनुचरों सहित भगवान श्री कृष्ण ने विदुर जी के पवित्र एवं गुणकारक अनपान ग्रहण किए वैश्वपायन जी कहते हैं जन्मित रात में जब भगवान श्री कृष्ण भोजन करके विश्राम कर रहे थे उस समय विदुर जी ने उनसे कहा केशव आपने जो यहां आने का विचार किया वह मेरी समझ में अच्छा नहीं हुआ जनार्दन मंदमती दुर्योधन धर्म और अर्थ दोनों का उल्लंघन कर चुका है वह क्रोधी दूसरों के सम्मान को नष्ट करने वाला और स्वयं सम्मान चाहने वाला है उसने बड़े व्यवृत्त गुरुजनों के आदेशों को भी ठुकरा दिया है प्रभु धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन शास्त्रों की भी आज्ञा नहीं मानता सदा अपना ही हट रखता है उस दुरात्मा को सन्मार्ग पर ले आना असंभव है उसका मन भोगों में आसक्त है वह अपने को पंडित मानता मित्रों के साथ द्रोह करता और सबको संदेह की दृष्टि से देखता है वह स्वयं तो किसी का उपकार करता ही नहीं दूसरों के लिए उपकार को भी नहीं मानता वह धर्म को त्याग कर असत्य से ही प्रेम करने लगा है उसमें विवेक का सर्वथा अभाव है उसकी बुद्धि किसी एक निश्चय पर नहीं रहती तथा वह अपनी इंद्रियों को वश में करने में असमर्थ है वह अपनी इच्छाओं का अनुसरण करने वाला तथा सभी कार्यों में अनिश्चित विचार रखने वाला है ये तथा और भी बहुत से दोष उसमें भरे हुए हैं आप उसे हित की बात बताएंगे तो भी वह क्रोधवश उसे स्वीकार नहीं करेगा वह भीष्म द्रोणाचार्य कृपाचार्य कर्ण अश्वथामा तथा जयद्रथ पर अधिक भरोसा रखता है अतः उसके मन में संधि करने का विचार ही नहीं होता जनार्दन धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों तथा कर्ण की यह निश्चित धारणा है कि कुंती के पुत्र भीष्म एवं द्रोणाचार्य आदि वीरों की ओर देखने में भी समर्थ नहीं है मधुसूदन मूर्ख एवं बुद्धिहीन दुर्योधन राजाओं की सेना एकत्र करके अपने आप को क्रित मानता है दुर्बुद्धि दुर्योधन को तो इस बात का भी दृढ़ विश्वास है कि अकेला कर्ण ही शत्रु को जीतने में समर्थ है इसलिए वह कदापि संधि नहीं करेगा केशव धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों ने यह पक्का विचार कर लिया है कि हमें पांडवों को उनका यथोचित राज्य भाग नहीं देना चाहिए यही उनका दृढ़ निश्चय है इधर आप संधि के लिए प्रयत्न करते हुए उनमें उत्तम भ्रातृभाव जगाना चाहते हैं परंतु उन दुष्टों के प्रति आप जो कुछ भी कहेंगे वह सब व्यर्थ ही होगा मधुसूदन जहां अच्छी और बुरी बातों का एक सा परिणाम हो वहां विद्वान पुरुष को कुछ नहीं कहना चाहिए वहां कोई बात कहना बहरों के आगे रागल अलापने के समान व्यर्थ ही है माधव जैसे चांडालों के बीच में किसी विद्वान ब्राह्मण का उपदेश देना उचित नहीं है उसी प्रकार उन मर्यादा रहित मूर्ख और अज्ञानियों के समीप आपका भी कुछ कहना मुझे ठीक पड़ता। दुर्योधन सैन्य संग्रह करके अपने को शक्तिशाली समझता है वह आपकी बात नहीं मानेगा उसके प्रति कहा हुआ आपका प्रत्येक वाक्य निरर्थक होगा श्री कृष्ण ये सभी पापपूर्ण विचार लेकर बैठे हुए हैं अतः उनके बीच में आपका जाना मुझे अच्छा नहीं लगता वे सबके सब, सब दुर्बुद्धि अशिष्ट और दुष्टचित हैं उनकी संख्या भी बहुत है श्री कृष्ण आप उनके बीच में जाकर कोई प्रतिकूल बात कहें यह मुझे ठीक नहीं जान पड़ता दुर्योधन ने कभी वृद्ध पुरुषों का सेवन नहीं किया वह राजलक्ष्मी के घमंड से मोहित है इसके सिवा उसे अपनी युवावस्था पर भी गर्व है और वह पांडवों के प्रति सदा अमरश से भरा रहता है अतः आपकी हित कर बात भी वह नहीं मानेगा माधव दुर्योधन के पास प्रबल सैन्य बल है इसके सिवा आप पर उसे महान संदेह है अतः आप यदि उससे अच्छी बात कहेंगे तो भी वह आपकी बात नहीं मानेगा जनार्दन धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों को यह दृढ़ विश्वास है कि देवताओं सहित इंद्र भी इस समय युद्ध के द्वारा हमारी सेना को परास्त नहीं कर सकते जो इस प्रकार निश्चय किए बैठे हैं और काम क्रोध के ही पीछे चलते हैं उनके प्रति आपका युक्तियुक्त एवं सार्थक वचन भी निरर्थक एवं असफल हो जाएगा रथियों और घोड़सवारों से युक्त हाथियों की सेना के बीच में खड़ा होकर भय से रहित एवं मंदबुद्धि मूड दुर्योधन यह समझता है कि यह सारी पृथ्वी मैंने जीत ली धृतराष्ट्र का यह ज्येष्ठ पुत्र भूमंडल का शत्रु रहित साम्राज्य पाने की आशा रखता है वह मन ही मन यह संकल्प भी करता है कि जुए में प्राप्त हुआ यह धन एवं राज्य अब मेरे ही अधिकार में आपद रहे उसके प्रति केवल संधि का प्रयत्न सफल न होगा जान पड़ता है अब यह पृथ्वी काल से परिपक्व होकर नष्ट होने वाली है क्योंकि राजाओं के साथ भूमंडल के समस्त क्षत्रिय योद्धा दुर्योधन के लिए पांडवों के साथ युद्ध करने की इच्छा से यहां एकत्र हुए हैं श्री कृष्ण ये सबके सब वे ही भूपाल हैं जिन्होंने पहले आपके साथ बैठाना था और जिनका सार सर्वस्व आपने हर लिया था ये लोग आपके भय से धृतराष्ट्र पुत्रों की शरण में आए हैं तथा कर्ण के साथ संगठित हो वीरता दिखाने को उद्वत हुए हैं ये सब योद्धा दुर्योधन के साथ मिल गए हैं और अपने प्राणों का मुंह छोड़कर हर्ष एवं उत्साह के साथ पांडवों से युद्ध करने को तैयार हैं। दशा वीर ऐसे विरोधियों के बीच में यदि आप जाने को उद्वत हैं तो यह मुझे ठीक नहीं जान पड़ता शत्रुसूदन जहां दुष्टता विचार लिए बहुसंख्यक शत्रु बैठे हो वहां उनके बीच आप कैसे जाना चाहते हैं शत्रुहंता महाबाबु श्री कृष्ण यद्य संपूर्ण देवता भी सर्वथा आपके सामने टिक नहीं सकते तथा आपका जो प्रभाव पुरुषार्थ और बुद्धिबल है उसे भी मैं जानता हूं तथापि माधव पांडवों पर जो मेरा प्रेम है वही उससे भी बढ़कर आपके प्रति है अतः प्रेम अधिक आदर और सौहार्द से प्रेरित होकर मैं यह बात कह रहा हूं कमलेन? आपके दर्शन से आपके प्रति मेरा जो प्रेम उमड़ आया है उसका आपसे क्या वर्णन किया जाए आप समस्त देहधारियों के अंतरामी आत्मा है अतः स्वयं ही सब कुछ देखते और जानते भी हैं वैशम जी कहते हैं जन्मे विदुर का यह प्रेम और विनय से युक्त वचन सुनकर पुरुषोत्तम भगवान मधुसूदन ने यह बात कही श्री भगवान बोले विदुर जी एक महान बुद्धिमान पुरुष जैसी बात कह सकता है विद्वान मनुष्य जैसी सलाह दे सकता है आप जैसे हितैषी पुरुष के लिए मेरे जैसे सूर्य से जैसी बात कहनी उचित है और आपके मुख से जैसा धर्म और अर्थ से युक्त सत्य वचन निकलना चाहिए आपने माता पिता के समान स्नेहपूर्वक वैसी ही बात मुझसे कही है आपने मुझसे जो कुछ कहा है वही सत्य सम्यक्त और युक्ति संगत है तथापि विदुर जी यहां मेरे आने का जो कारण है उसे सावधान होकर सुने विदु जी मैं धृतराष्ट्रपुत्र दुर्योधन की दुष्टता और क्षत्रिय योद्धाओं के भाव इन सब बातों को जानकर ही आज गौरवों के पास आया हूं आशु रथ और हाथियों सहित ये सारी पृथ्वी विनष्ट होना चाहती है जो इसे मृत्युपाश से छुड़ाने का प्रयत्न करेगा उसे ही उत्तम धर्म प्राप्त होगा मनुष्य यदि अपनी शक्ति भर किसी धर्म कार्य को करने का प्रयत्न करते हुए उसमें सफलता ना प्राप्त कर सके तो भी उसे उसका पुण्य तो अवश्य ही प्राप्त हो जाता है इस विषय में मुझे संदेह नहीं है इसी प्रकार यदि मनुष्य मन से पाप का चिंतन करते हुए भी उससे रुचि न होने के कारण उसी क्रिया द्वारा संपादित ना करे तो उसे उस पाप का फल नहीं मिलता ऐसा धर्मज्ञ पुरुष जानते हैं विदुर जी मैं युद्ध में मरमिटने को उद्वत हुए कौरवों तथा श्रिंजों में संधि कराने का निश्चय भाव से प्रयत्न करूंगा यह अत्यंत भयंकर आपत्ति कर्ण और दुर्योधन द्वारा ही उपस्थित की गई है क्योंकि ये सभी नरेश इन्हीं दोनों का अनुसरण करते हैं अतः है, इस विपत्ति का प्रादुर्भाव कौरव पक्ष में ही हुआ है जो किसी व्यस्त या विपत्ति में पड़कर कलेष उठाते हैं मित्र को यथाशक्ति समझा बुझाकर उसका उद्धार नहीं करता उसे विद्वान पुरुष निर्दयी एवं क्रूर मानते हैं। जो अपने मित्र को उसकी चोटी हटाने के लिए यथाशक्ति प्रयत्न करता है वे किसी के निंदा का पात्र नहीं होता अतः विदुर दुर्योधन और उसके मंत्रियों को मिल शुभ हितकर युक्त, युक्त तथा धर्म और अर्थ के अनुकूल बात अवश्य माननी चाहिए मैं तो निष्कपट भाव से धृतराष्ट्र के पुत्रों पांडवों तथा भूमंडल के सभी क्षत्रियों के हित का ही प्रयत्न करूंगा इस प्रकार हित साधन के लिए प्रयत्न करने पर भी यदि दुर्योधन मुझ पर शंका करेगा तो भी मेरे मन को तो प्रसन्नता ही होगी और मैं कर्तव्य के भार से उण हो जाऊंगा भाई बंधुओं में परस्पर फूट होने का अवसर आने पर जो मित्र सर्वथा प्रयत्न करके उनमें मेल कराने के लिए मध्यस्थता नहीं करता उसे विद्वान पुरुष मित्र नहीं मानते संसार के पापी मूड और शत्रुभाव रखने वाले लोग मेरे विषय में यह ना कहें कि श्री कृष्ण ने समर्थ होते हुए भी क्रोध से भरे हुए कौरव पांडवों को युद्ध से नहीं रोका इसलिए मैं संधि कराने का प्रयत्न अवश्य करूंगा मैं दोनों पक्षों का स्वार्थ सिद्ध करने के लिए ही यहां आया हूं इसके लिए पूरा प्रयत्न कर लेने पर मैं लोगों में निंदा का पात्र नहीं बनूंगा यदि मूर्ख दुर्योधन मेरे कष्ट निवारक एवं धर्म तथा अर्थ के अनुकूल वचनों को सुनकर भी उन्हें ग्रहण नहीं करेगा तो उसे दुर्भाग्य के अधीन होना पड़ेगा महात्मन यदि मैं पांडवों के स्वार्थ में बाधा न आने दू कौरवों तथा पांडवों में यथा योग्य संधि करा सका तो मेरे द्वारा यह महान पुण्य कर्म बन जाएगा और कौरव मृत्यु के पास से मुक्त हो जाएंगे मैं शांति के लिए विद्वानों द्वारा अनुमोदित धर्म और अर्थ के अनुकूल हिंसा रहित बात करूंगा यदि धृतराष्ट्र के पुत्र मेरी बात पर ध्यान देंगे तो उसे अवश्य मानेंगे तथा कौरव भी मुझे वास्तव में शांति स्थापन के लिए ही आया हुआ जान मेरा आदर करेंगे जैसे क्रोध में भरे हुए सिंह के सामने दूसरे पशु नहीं ठहर सकते उसी प्रकार यदि मैं कुपित हो जाऊं, तो ये समस्त राजा लोग एक साथ मिलकर भी मेरा सामना करने में समर्थ न हो वैशम जी कहते हैं राजन युकुल को सुख देने वाले विष्णु विभूषण श्री कृष्ण विदुर जी से उपयुक्त बात करकर स्पर्श मात्र से सुख देने वाली शैया पर सो गए विदुर जी ने श्री कृष्ण को बहुत समझाया और श्रीकृष्ण ने अपना पक्ष रखा श्री कृष्ण वास्तव में यह अंतिम प्रयास करना चाहते थे यद्यपि वह जानते थे कि शायद यह संभव ना हो जानते हैं आगे क्या हुआ अगले अध्याय में आप सभी को कोटी कोटी साधुवाद आपने इन वीडियोस को इतना प्रेम दिया